सो है आज हम रिव्यू कर रहे हैं और टेस्टिंग करेंगे सोलर पेंटिंग मशीन का। स्प्रे गन से बोल सकते हो। कंपनी है बिल्ड स्किल प्रो, यहाँ पे लिखा है बिल्ड स्किल प्रो। और इसका वाटेज है 750 वाट। और इसका आपका जो बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये बहुत ही हैंडी टूल है। इसमें आपको कलर भरना है और आपको पेंटिंग करना है इस तरीके से। इसका मैं ओल्डर वर्सन, पहले मैं बिल्ड स्किल का एक प्रोडक्ट यूज़ करता था पहले मैं बहुत। 650 वाट का ये जो ओल्ड मॉडल था बिल्सिल कंपनी के, ये था तो मैं वो वाला यूज़ कर रहा था अभी। मतलब इसको मैंने 2 साल से यूज़ करा है, अभी काम कर रहा है, बट इसका जो ये वाला मैकेनिज्म है पूरा खराब हो चुका। हालांकि मशीन पूरा प्रॉपर से काम कर रहा है। इसको मुझे क्या करना पड़ता है, इसको मुझे कंधे पे लेके बाकी इसको स्प्रे करना पड़ता। बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो, बट वो वाला मशीन लो। और इसको ऑन करते हैं और इस तरीके से आप इसमें एक ई भर के ये आप इसे से हवा निकलता है, ठीक है। तो इससे बढ़िया वो वाला है, ये बहुत तामझाम है, इसको मत लो, वो न्यू मॉडल आप ले सकते हो। ये एक्चुअली आप होम यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो बिल्ड स्किल प्रो, और ये लेटेस्ट मॉडल है। और इसमें आपको जो नॉजल मिलता है वो पीतल का मिलता है, प्लास्टिक का नहीं मिलता। और प्लग देखे मतलब इंडियन प्लग है, तो प्लग एंड प्ले करो और इसको जस्ट कलर भरो इसमें और ये आपका स्प्रे चालू हो जाएगा। तो कैसे का क्वालिटी रहने वाला है कि आप इसको यूज़ करके बाइक पेंटिंग कर सकते हो। मेरा बाइक का काम है तो मैं आप आज इसको यूज़ करके बाइक का जो चेसिस है वो इसको पेंट करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं अगर एक्यूरेट रिजल्ट निकल जाए तो मैं आपको डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। और इसका जो क्वालिटी इनहेंस फीलिंग है वो काफ़ी तगड़ा, यहाँ पे मोटर दिया हुआ है और ये रिमूवेबल हो जाता है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका जो बॉक्स कॉन्टेंट है, जब मैंने न्यू परचेस किया था इसका बॉक्स कॉन्टेंट कैसा है और क्या क्या चीज़ें आपको मिलते हैं इसके अलावा। और ये इसका जो कंटेनर है वो लगभग इसका जो ml है वो है 800 ml का ये एक कैन है। तो इसमें 800 ml आप पेंट यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप 500 ml यूज़ करें। और ये वाला जो फिक्स है ये फिक्सिंग है, तो इसमें आपको कलर डालना है और इसको अब इस तरह से लगा देना है। अब बात करते हैं इसका जो मुँह है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये रिमूव हो जाता है। इसको मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ, ये रिमूव हो जाता है। और इसका जो ये वाला चीज़ है आप इसको सब कुछ क्लीन भी कर सकते हैं, सब कुछ क्लीन हो जाता है क्योंकि पेंटिंग के बाद क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज ये मशीन जाम हो जाएगा। और ये वाला नॉजल देख रहे हैं ये पीतल का नॉजल आता है, तो क्लीन करने में उससे स्प्रे का क्वालिटी है वो अच्छा होने वाला है। क्योंकि इसका जो मैं ओल्डर वर्जन यूज़ करता था उसमें ये वाला जो देख रहे हैं नॉजल वो प्लास्टिक का, प्योर प्लास्टिक का था। तो ये इस तरीके से हो जाता है, देख सकते अप डाउन हो रहा है। पेंट जो आप अगर आप इस तरह से कर सकते हो हॉरिजॉन्टली तो पेंट आपको इस तरीके से पड़ेगा। अगर आप इसको घुमा दे तो इस तरीके से देखो घुमा दो और ये टाइट कर दो तो पेंट का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। अब बात करते हैं क्या ये बिल्कुल स्मूथ पेंट निकलता है इससे, वो भी हम ट्राई करेंगे। उससे बाद इसका जो ये वाला पार्ट है ये इसको मैं धो देना भाई, ये पूरा मतलब मोटर है इसका ना 750 वाट का इसमें मोटर है, काफ़ी तगड़ा है। और इसका ये वाला चीज़ देख रहे हैं इसके एक ट्रिगर है और ये वाला जो ऊपर बटन देख रहे हैं इसको अगर आप सामने की तरफ प्रेस करेंगे और इसको घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। मतलब आपको धोना है ये वाला चीज़, ये सब कुछ प्लास्टिक का होता है मतलब वॉशेबल है, बट इसका जो मोटर है वो वॉशेबल नहीं है। और इसमें गर्म हवा फेंकता है, कोल्ड हवा फेंकता है और इसका ये थॉटल है। आपका जो जो प्रोफेशनल गन में होता है वो पेंटिंग का जो क्वांटिटी होता है ज़्यादा कम कर सकते हो आप, मैं तो एआर तो कम ज़्यादा कर ही सकते हो। उस साथ इसमें एक जॉग दिया हुआ है ये वाला, इसमें आप एयर का जो क्वांटिटी है या फिर ऑयल मतलब पेंट का जो क्वांटिटी है वो गाढ़ा चाहिए आपको मतलब पतला चाहिए वो भी आप कर सकते हो। मतलब ये वाला चीज़ न्यू लगा मुझे और काफ़ी सही दिया हुआ है। तो टेस्टिंग भी करेंगे हम और इसमें ओरिंग आता है, बाकी इसका में कुछ है नहीं, इसको आप खोलने की ज़रूरत नहीं है। इनहेंस फीलिंग क्वालिटी वाइज लगभग 2100-2200 रुपीज़ इसका प्राइस है। जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको आप परचेस भी कर सकते हो और प्राइस भी इसका जान सकते हो, अभी सेल भी चल रहा है। भाई गाइज आपको ये वाला यूजर मैनुअल मिलता है जो कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो वीडियो देख रहे हो। और ये वाला एक चीज़ मिलता है आपका, ये वाला भी ज़्यादा कुछ यूज़ का है नहीं, मतलब कलर का जो गाढ़ा है कलर का जो क्वालिटी है उसको कितना पतला चाहिए कितना मोटा चाहिए उससे आप कर सकते हो, तो नॉट रिक्वायरमेंट। तो आपका ओयर जो है सफिशियंट है मैं बोलूँगा, बट अगर आपको काम अच्छा तरीके से करना है इसको आप एक्सटेंड कर लो, कंपनी कितना ज़्यादा देगी, बहुत बढ़िया दे रहा है। तो इसको प्लग इन प्ले करते हैं और इसको मैंने पावर दे दिया है, अब सिर्फ मैं मशीन को चालू करता हूँ। ठीक है समझ लिया इसका काम। अब बात करते हैं इसका जो ये वाला चीज़ है इसको लगाते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से अलाइनमेंट करना है देखो, और ये अलाइनमेंट कर दीजिए ओके, ये वाला चीज़ प्रेस करना पड़ेगा ठीक है, और ये लग गया आई थिंक, हाँ लग गया। तो ठीक है ये हवा आ रहा है, अब चलिए पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो आप वेट कर रहे हो इसका पेंटिंग का प्रोसेस कैसा होने वाला है, क्वालिटी कैसा देने वाला है।
सो एज ये बिल्कुल रॉ चेसिस है, इसको हम पहले प्राइमर करेंगे और इसी मशीन से, तो देखते हैं प्रोसेस देख लो और एडजस्टमेंट वगैरह मैं वीडियो में करूँगा, तो प्रोसेस देख लो क्या। वाले सूखने के लिए टाइम देते हैं, आप क्वालिटी देख लो, एक नंबर का क्वालिटी आया है, तो मैं कहूंगा अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। चलो इसका सेकंड कोट करते हैं थोड़ा बहुत सूखने के बाद। प्राइमर पूरी तरीके से सूख चुका है देख सकते हो, और अभी पता चल रहा है क्वालिटी भाई, फिनिशिंग जबरदस्त आया है, बिल्कुल आप करीब से देखो बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग आया है। इसको और एक बार घिसाई होगा, उसके बाद जो भी कलर वगैरह है उसका प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखो फिनिशिंग, देखो मशीन का क्वालिटी, आई एम सेटिस्फाइड कि इस तरह का काम आप इस मशीन से कर सकते हो। घर का काम हो, वॉल पेंटिंग हो, आपका जो लकड़ी का काम होता है लकड़ी में पेंटिंग करना, सब कुछ आप इस मशीन सब कुछ आप इस मशीन से कर सकते हैं। तो इसको मैं बाद में कलर का प्रोसेस कर दूंगा, मतलब जो ब्लैक चेसिस है वो हम बाद में कर देंगे इसी मशीन से, तो और जो भी रिक्वायरमेंट है हम कर देंगे। फिनिशिंग देखो, कलर का फिनिशिंग देख लो, तो सही से फिनिशिंग आया है। तो अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम बाकी है, तो आई होप कि आपको क्वालिटी समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से आपने जाना कि इसको यूज़ करके कैसे आप क्वालिटी वाला पेंट यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली इससे हम टैंक पेंट नहीं कर सकते, तो मैंने इसको वॉशिंग भी कर दिया, देख सकते हो अभी थोड़ा सा रेड टाइप का है, इसको मैंने वॉशिंग कर दिया बिल्कुल खोल के, मतलब इस तरीके से ये खुल तो जाता है, मैंने पहले दिखाया, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं और इसको मैंने खोल के इस तरीके से पूरा वॉशिंग कर दिया इसके अंदर। अभी इसके अंदर थोड़ा सा कलर वगैरह लग गया है, ठीक है, ये चला जाएगा। और इसको आपको हर बार साफ करना पड़ेगा इस मशीन को, और इसमें ये वाला जब नीडल देख रहे हैं ये, इसका आपको पेंट का जो मोटाई है वो आपको स्मूथ करना है, मोटा करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्मूथ करिए, इसको अपने हिसाब से घुमा के देख लीजिए कहाँ पे आपका स्मूथ आ रहा है, देखो ठीक है। अभी इसको मैं घुमाऊँगा, देखो ये पॉइंटेड हो गया। अभी इसको इस तरफ घुमाने से ना एकदम लास्ट में पॉइंटेड होगा, मतलब इससे ज़्यादा पेंट निकलेगा, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको स्मूथ पेंट चाहिए, तो देखो ये स्मूथ हो जाएगा। देखो अभी ठीक है, पॉइंटेड है, देखो स्मूथ हो रहा है, ये देखो ठीक है। इसका काम यही है, ये बहुत बढ़िया पार्ट मुझे इसका लगा, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। और इसका मुँह को खोल के, जोड़ा चीज़ को खोल के भी आपको अच्छी तरीके से साफ करना है, ठीक है। इसका जो कॉपर का वाशर आता है, देखो कॉपर का नोजल साफ करना है, तो आपका सालों साल चलेगा। और इसका बहुत बढ़िया पार्ट मुझे लगा कि कैरी करने में बहुत इजी होता है। तो अगर आपको पसंद आता है ये वाला वीडियो, ये वाला आपका जो चीज़ है बिल्ड स्किल प्रो 750 वाट का जो लेटेस्ट आपका जो कलर का मशीन आता है, कलर स्प्रे गन बोल सकते हो इसको, तो चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और काफ़ी हैंडल काफ़ी स्टाइलिश है, और ऑब्वियसली रेड कलर में ही अवेलेबल है, रेड कलर काफ़ी अच्छा लगता है। या फिर सर का मतलब RX100 के या फिर MAX100 का कलर का वापस स्टार्ट हो चुका है, मैंने चेसिस को पेंट कर दिया, कल तक ये रेडी हो जाएगा, जस्ट प्राइमर किया है, और कल तक मैं एक दिन टाइम दूंगा सूखने के लिए, उसके बाद उसका जो कलर का प्रोसेस है मतलब ब्लैक कलर बेस कलर है वो हो जाएगा, और बाकी टैंक में भेज दूंगा कलर के लिए, येलो कलर में हो रहा है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।